बाद ऊपर की ऊपर चले जाना चौरा का, पहले उधर चले जाए, गाड़ी यहीं लगा देनी चाहिए ना, यहीं लगा के वहाँ से फिर वापस आना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सफर को आगे जारी रखते हुए हमें यहाँ पता चला कि यहीं आगे बड़ा महादेव केव और गुप्त महादेव केव है जो कि चौरागढ़ में है, और चौरागढ़ के लिए हमें यहाँ से करीब करीब 8 किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी करना पड़ेगा। तो हमने सोचा चौरागढ़ नहीं जाएंगे और खाली बड़ा महादेव और गुप्त महादेव के दर्शन करके वापस रिटर्न होंगे। तो चलिए चलते हैं चौरागढ़ और उसके आसपास की जो दो महत्वपूर्ण जगह हैं, बड़ा महादेव और गुप्त महादेव, उसे देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चप्पल स्टैंड, हम लोग मैं और महादेव दो जने, चिंता नहीं लोगे क्या? अरे भगवान की उसमें भी पावती फाड़ोगे। चला, हर हर महादेव। दोस्तों, जब हम बड़ा महादेव पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगाए और वहां लगाने के बाद ये देखिए अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है यही बड़ा महादेव केव की तरफ जाएगा। आसपास देखिए कितना सुंदर नजारा है और बहुत सारे पर्यटक भी यहां आए हुए हैं। ये जिला होशंगाबाद में आता है जो कि अब नर्मदापुरम नाम हो गया है इस जिले का। पहले इसे होशंगाबाद बोला जाता था, अब नर्मदापुरम बोला जाता है। मंदिर यहां पर है और ये ऊपर क्या जा रहा है, यहां आप वहां नहीं गए? दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का 10वां दिन है और हम लोग सकुशल एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम आराम से पचमढ़ी की इन वादियों में यहाँ के जो पिकनिक स्पॉट है और जो कुछ धार्मिक स्थल है वहाँ पर बड़े मजे से घूम रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत नजारा और मौसम भी काफी सुहाना है। और हम केव की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए सामने की तरफ जो केव जा रास्ता ऊपर जा रहा है वो केव के अंदर जाएगा। यहाँ पर कुछ लिखा भी है, ये केव देखिए यही बड़ा महादेव केव है, अंदर जाना होगा, जूते उतार लिए हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा प्राकृतिक ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। ये पूरा प्राकृतिक गुफा है, अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह अंधेरा है। तो हम मोबाइल के सहारे अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद मेन टेंपल बड़ा महादेव का दर्शन करके फिर निकलेंगे। चलिए चलते हैं अंदर। क्या चढ़ला जाऊन आलो मी क्या मैं बड़ा महादेवला आता मी इथे चाललो माझं फास्ट आहे मी आता बाहेरचं बाहेर निघून जाणार मला संध्याकाळपर्यंत होशंगाबादला जायचं निघायचं का म्हणजे आज परत आजच निघायचं ठीक आहे चला दोस्तों ये बड़ा महादेव के बगल में जो पार्किंग है वहीं से ये कच्चा रूट है क्योंकि पैदल ट्रैक करते हुए हमें पहले गुप्त महादेव मंदिर की तरफ जाना होगा। वहीं पर केव बना हुआ है जो प्राकृतिक है, देखिए बीच जंगलों के बीच में कितना खूबसूरत नजारा। गुप्त महादेव के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग है जो मैंने शुरू कर दिया है।
देखिए फ्रेंड्स, ये गुप्त महादेव केव है। यहाँ पर भी काफी लोग आए हुए हैं जो कि गुफा में अंदर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गुप्त महादेव में देखिए कितना सकरा है, एक बार में सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है और 8 आदमी ही जा सकते हैं। 8 आदमी के ऊपर मत आओ भाई साहब। काफी सकरा है ये और खतरनाक भी है। अंदर हवा का काफी अभाव है और अंधेरा काफी है, तो मोबाइल के लाइट के भरोसे आपको जाना पड़ेगा। देखिए धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, पर अंधेरा काफी घना है। दोस्तों ये गुफाएं पूरी तरह प्राकृतिक है और नेचर ने इसे बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पर जो महाराज बैठे थे वो बोल रहे थे कैमरा अलाउ नहीं है क्योंकि बाहर इसका दृश्य नहीं दिखाया जाना चाहिए, वो बोल रहे थे। वैसे ठीक भी है। तो गुप्त महादेव के दर्शन करने के बाद रिटर्न हम वापस चौरागढ़ पार्किंग के अंदर जाएंगे और अपनी गाड़ी लेकर फिर अपने सफर को शुरू करेंगे। देखिए प्रकृति का कितना बढ़िया सुंदर नजारा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, काफी काफी सुंदर नजारा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।